जो हमने आपको सरप्राइज देना था। हाँ जी, दोबारा से तैयारी होगी, सुबह के तकरीबन 12 बजने वाले हैं और हमारे बच्चे भी रेडी हो चुके हैं। हाँ जी शायद रेडी, यस हाँ भाई रेडी, यस आगे जाना है भाई, आगे जाना है। तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ और मैंने भी साड़ी शुड़ी चेंज कर ली। नहाए कोई नहीं यार, बस दिल नहीं बना नहाने का, तो नहाएंगे आगे ज़्यादा ठंडी जगह पे। तो अभी हम आपको थोड़ा सा इसका टूर करवा देते हैं कि हमारे पास क्या क्या था, क्या क्या पोर्शन है हमारा। ये सामान कुछ बाहर पड़ा है यहाँ पे, ये जो हम लेके आए थे इसको हम वापस लेके जाना है। तो ओवरऑल इसका हम आपको एक छोटा सा रिव्यू देते हैं ताकि जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ इस्लामाबाद में, तो अगर यहाँ रहना चाहें इस लोकेशन में तो आप लोगों को आसानी हो। तो वेलकम होगी एक नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो लेट्स गो, आज के व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। असल में कल सफ़र किया था, थकावट है, तो रात को वैसे बड़ी सुकून की नींद आई है। एसी को हमने सुबह सुबह बंद कर दिया, ठंड लग रही थी। तो मतलब इस्लामाबाद में जारी बात है वो वाली गर्मी तो नहीं होती जो बाकी है, तो मौसम अच्छा होता है निस्बतन बाकी हमारे इलाकों की। गर्मी होती है, दिन को एसी की ज़रूरत भी पड़ती है, पंखा भी हमने अभी भी बंद किया। तो इसका थोड़ा सा रिव्यू देते हैं आप लोगों को और कमरों के बारे में बताते हैं डिटेल्स और रेट किराया सब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी आएँ, लोकेशन भी शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको अच्छे मुनासिब और सस्ते सस्ते आपको कमरे दस्तियाब हों। तो लेट्स गो। वैसे इस्लामाबाद G8 का इलाका है ये तकरीबन। यहाँ पे जितनी भी कोठियाँ ना, ये तकरीबन मेजोरिटी रेंट पे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम रह रहे थे, आपको यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों की सहूलत दस्तियाब है। तो ये वाला जी है, ये गाड़ी हमारी अंदर खड़ी है गेट के अंदर, आपकी बड़ी बाहिफाजत गाड़ी आ जाती है अंदर। ये देखें जी हमारी भी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ये इसका फ्रंट लोकेशन है। और ये भाई साहब आपको यहाँ पे मिलेंगे। और मज़े की बात यह है कि अच्छे बंदे हैं, हमारी इनसे बात हुई है, हमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया है। अगर आप लोग भी यहाँ पे आते हैं ना तो आप लोगों को भी अच्छा डिस्काउंट देंगे। मतलब एसी कमरे के साथ आपको मज़े का घर भी अच्छी जो सहूलत होती है ना वो दस्तियाब हो जाएगी। तो यहाँ से एंट्री मारते हैं, कमरा साथ में है। और ये यहाँ पे भाई साहब हैं, भाई साहब का नाम काशिफ है, काशिफ भाई यहाँ पे होते हैं। और अगर आप लोग आएंगे हमारा थोड़ा सा भी जिक्र करेंगे ना तो आपको ये डिस्काउंट भी देंगे इंशाल्लाह। हाँ, और लोकेशन आप बता दें। लोकेशन सर यहाँ की है G31 मेन डबल रोड पे, मेन डबल, और साथ ही ये आपका श्रीनगर हाईवे है जी, साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस। हाँ वॉकिंग, हाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे, और मरकज भी साथ है। एक मिनट, बिल्कुल आप यहाँ से ऐसे जाते हैं, मैं पैदल जाता रहा हूँ तो ज्यादा एक मिनट लगता है। तो मतलब आपको खाना पीना दुकानदारी जो भी करनी है वो भी इजी मिल जाती है। तो ये इनकी रिसेप्शन है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको बुकिंग वगैरह मिल जाएगी। तो चलते हैं ऊपर और आप लोगों को रूम विजिट करवा देते हैं। बाकी जिस रूम में हम रहे हैं ना वो हम आपको विजिट करवा देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी यहाँ पे मतलब फैमिली सेटअप है, फैमिली रूटीन टाइप है, कोई इशू भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। गाड़ी देखो इन्होंने हमारी गेट के अंदर पार्क कर दी, एक गाड़ी और भी आ सकती है, बाहर भी जगह है पार्किंग की, ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। तो चलते हैं ऊपर और ये हमारे बच्चे भी हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा ना एक रूम विजिट करवा देते हैं। चलो शरीफ, ये जनाब जी इनकी ये है जी ऊपर वाले पोर्शन की सिटिंग एरिया, यहाँ पे आप बैठ के चाय पीनी पानी गपशप सब कुछ कर सकते हैं। एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे है, ये मतलब आप समझे ना कोठी है पूरी, ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। तो हाँ जी किधर नीचे, नीचे। अच्छा ये देखेंगे भाई साहब, ये आपको एक स्वीट रूम का हम विजिट करवा रहे हैं, डबल बेड सिंगल बेड, और यहाँ से आप बैठ का नज़ारा भी कर सकते हैं बड़ा इजी। ये देखें जी इस्लामाबाद। तो इसके साथ ही आपको और मिल जाएगा, यानी कि आप बड़ी फैमिली आते हैं तो आराम से एक बेड यहाँ पे मिल जाएगा, वाशरूम इधर भी मिल जाएगा आपको। और ये आप चार बंदों की खुली एक कमरे में रिहाइश है और बड़ा मकबूल किराया है। तो आप आएंगे ना यहाँ पे इस तरह का ना तकरीबन भाई साहब क्या इसकी फाइनल प्राइस है? लुको फाइनल जो है वो 6500 और विद ए सी। ये ए सी भी आपको मिलेगा जी।
तो ये जनाब हमने भी पे किया, तो हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दे। वैसे इस तरह का रूम जो होता है ना आपको इस्लामाबाद में 10-12 हज़ार से कम नहीं मिलता जी, बिल्कुल भी नहीं, जो है तकरीबन 10,000 रुपए में फोर परसेंट का। तो ये बड़ा मकबूल रेट है भाई साहब, आप खुले बैठ के खा पी सकते हैं और बड़ा माहौल ज़बरदस्त किस्म का है। ये आपको कोई परेशानी नहीं कि फैमिली के साथ आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त किस्म का माहौल है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये शेयर कर देते हैं, बाकी भी आप लोगों को दिखा दिया तो फैमिली और भी रह रही है, हम भी यहाँ पे थे। तो जी जनाब ये एक छोटा सा टूर था आप लोगों के लिए, अगर आप आना चाहें जी थर्टीन वन मेन डबल रोड हाँ रेडबरी के नाम से इस गेस्ट हाउस का नाम है और G13 ये कोठी नंबर है ना, ऐसे ही है ना सेक्टर, हाँ सेक्टर, हाँ G13 वन। चलो जी लेट्स गो। अगला दिन शुरू हो गया है और शहरी को मैंने इसमें दूध गर्म करके दिया था, ये इसमें, और अब इसमें ना ये चाय बनी पड़ी है ये देखिए। और यहाँ पे शहरी क्या खा रहा है, कॉटन कैंडी। अभी इसने मुँह कोई नहीं धोया, ये जो ये कार्टून देख रहा है इसने धो लिया। हाँ जी, और तो सफ़र गए हैं टिकड़े उठाने, मैंने उन्हें कहा था डिब्बे में लेते हैं, वो अब पता नहीं डिब्बा लेके नहीं गए, हाथ में लाएंगे। तो ये मैं चाय बना लेती हूँ, ये उबल रही है अभी भी, ये देखें जी गर्म, इसमें दूध पत्ती डाली है ये ऐसे। शेरी आपको इसका नाम बता रहा है, कॉटन कैंडी हमने खा ली है। इधर रह रहे हो? हाँ। अभी आगे जाना है, घर जाना है? नहीं। किधर जाना है? घर ये आगे जाना है पहाड़ों में। बोल शेरी, बोले जल्दी बोले। अभी सीधा रहते हैं, फिर भी बाद में घर जाते हैं, पहले इधर ले लेते हैं। अच्छा अभी थोड़ा आगे चले जाएं? नहीं, हाँ। रात को तो डरा हुआ था ये जना, रात को डाइनो देख के डरा हुआ था। 11:04 हो चुके हैं भाई साहब, 12 बजे हमें फेंक भी देना कमरे से ना, तो रखो यहाँ पे नीचे। ये हमारा सुबह का नाश्ता है, चाय दूध पत्ती बनाई है भाई साहब हमने, काली काली पत्ती बनाई। मैं एक ये रूम दिया था, एक वो रूम दिया था, हम यहाँ भी थे वहाँ भी थे, हमारा ऊपर वाला पोर्शन पूरा हमारे पास था। हाँ, तो अगर इनके पास खाली है ना तो आप इनसे कहीं हाँ, भी सो सकते हैं, कोई मसला नहीं। गद्दा भी दिया था, तो गद्दे आप चाहे 10 बंदे है ना गद्दे लेके यहाँ डाल सकते हैं, कोई मसला भी नहीं। और यहाँ से अभी सामान नीचे लेके चलते हैं और हम निकलने के मूड में, अब सामान सारा समेट लें। चाबी गाड़ी की कहाँ है यार? देख रहे मेरी वीडियो अपलोड पे लगी हुई थी, हो रही है 11 मिनट लगेंगे। यहाँ पे वैसे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीन है, माहौल है, तो हम अभी अपना सामान रखते हैं, आगे के मंजिल की तरफ निकलते हैं, किसी गाड़ी पीछे करते हैं और आप लोगों के साथ आगे मिलते हैं कि अगला मंजिल हमारी कहाँ पे होगी। भाई साहब ये रेस्ट हाउस है, हमारा टब्बर पूरा आ गया जी, चलें जी। हमारी इस्लामाबाद में कोठी है जो हमने आपको सरप्राइज देना था, लेकिन भाई साहब हमने इसका भरा किराया तो वो हमने वीडियो में आपको बता दिया। फुल फर्निश्ड है, एसी लगे हुए हैं, तो ये हमारी इस्लामाबाद में नई कोठी है, तो हमने आपको फिर सरप्राइज देना था कि हम घर लेने लगे हैं। तो हमें ना इस्लामाबाद वालों ने बहुत मारा है कि आप लोगों का मुंह है इस्लामाबाद में, चलो पेंडू दफा हो जाओ। चलो बैठो, आज फाइनली हमने गाड़ी में सब पैक हो गए, बच्चे भी, बेगम भी। और हाँ जी निकलें, पानी शानी ठंडा है? चलो ठीक हो गया, ओके। तो निकल रहे हैं यहाँ से अगले मंजिल की तरफ, तो कहाँ तक पहुँचते हैं आप लोग साथ फिर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिए, अच्छी अच्छी दुआएं करिएगा और हमारे सफ़र के लिए दुआ करिएगा, तो अल्लाह खैर करिए से ले जाए और खैर से ले जाए। लेट्स गो जी, हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया है,
आखिर हम ले दे के ना आप लोगों को जरूर हर चीज बताते हैं। अभी हम निकलने लगे हैं इस्लामाबाद से, आप लोगों से शेयर ना करें तो हमें ना गर्मी हजम होती है ना सर्दी। तो भाई यहाँ भी बड़ी कड़ाके की धूप है ऐसे लगता है। हाँ जी, ये जून जुलाई की जो धूप है ना, ये हर जगह बराबर रखती है हिसाब, कोई ज्यादती नहीं करती ना शहर वालों से ना गाँव वालों से। तो चलते हैं अभी आगे, सबने नींद इंजॉय कर ली, अभी हम गुजर रहे, रात हो गई थी सॉरी, अब दिन हो गया है, हो गया है ना दिन। हाथ रहा, हाथ रहा। अच्छा हाथ रहा। ये जी शहर में इनके लिए जरा गाड़ी चलाना ना ऐसे नहीं, होता नहीं, है। अब मैंने शीशे में देखना भी होता है, मुश्किल तो होती है। अब आपसे मतलब बात भी करे तो आप तो हमारे भाई। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी प्रो ड्राइवर है। हाँ, ये बात ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे ड्राइवर है। हाँ, और रात को इन्होंने बड़े खराटे मारे हैं, फुल जोरों शोर से जितने मार सकते थे। हाँ जी, शालीमार बने हुए थे ये। ये कल सारा दिन शालीमार चलाई नहीं है। वो भी तो चलाते हैं, वो ना डेली चलाते, फिर उनको प्रैक्टिस हो जाती है। और ये हालत है, ये देखिए जी, बारिशें कोई नहीं हो रही ना, हर तरफ ऐसे ना वो धुआं धुआं सा है, ये सारा धुआं है, नहीं तो यहाँ पे क्लियर नजर आता है ये यहाँ से सारा कुछ। तो अभी हम इस्लामाबाद से निकल रहे हैं, और कहाँ की मंजिल है ये भी आगे जाके पता लगेगा, जहाँ शालीमार का ड्राइवर थक गया। मैं बस कर देगा। हाँ, बस कर देगा। और बच्चों ने डोनट खा लिया और अब कुछ गिरा भी दिया। भाई साहब, हम हजारा मोटरवे पे चढ़ गए हैं और टैंकी भाई साहब फिर से फिल करवा ली है, टैंकी हमारी फुल हो चुकी है। और भाई साहब तेल इतना महंगा है ना, हमारी तो आंखें खुल गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन क्या करें, बच्चों को राजी करना है और आप लोगों को भी राजी करना था ना। घर जैसा सुख नहीं है कहीं भी नहीं मिलता, चलो निकले हैं कुछ पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त फील हो रहा है कि सारा कुछ जा रहा है। अभी आगे जाना है हमने, तो लेट्स गो जी, हमारे साथ साथ चलें आगे। हम कहाँ स्टॉप करते हैं, किधर रुकते हैं, पहाड़ छाड़े में इधर उधर से नजर से रन आ गई, तो इस्लामाबाद भी मैं गए ना, वो भी गर्मी से तपे हुए हैं। हाँ, ये भी तपे पड़े हैं, कुछ कुछ ग्रीन है, लेकिन ये बैला का सरसब्ज तो है, ये बात तो है, ग्रीन ग्रीन है। एक सिस्टर है वो इस्लामाबाद की है, वो कह रही थी आ जाओ भाई, हम भी तुसी भी आ जाओ, असी भी सड़े पे, तुसी भी सड़ जाओ इस्लामाबाद। बड़ी गर्मी कहीं लगी। तो खैर चलें जी। ये देखो, मोहब्बत अंधी होती है, पूरे कंटेनर के नीचे बैठा हुआ है, और वो जिससे बात कर रहा है इतनी लंबी बात वो फैमिली से कभी नहीं कर सकता। ज़ूम करके दिखा, ये ना कंटेनर है, इसके नीचे ये लड़का कब से बैठा है, और जब से हम यहाँ रुके हुए हैं ना उससे भी पहले ही ये ना बातें कर रहा है फोन पे, पूरी गाड़ी के नीचे बैठा हुआ, बड़ा बिजी है और इतनी धूप है, पैर बाहर बैठा है, वादे कर रहा होगा जिससे भी कर रहा है, साथ कह रहा होगा अगर ये वादे मैंने वफा ना किए तो इसी के नीचे आके मैं जान दे दूंगा। ये अभी ना हम हजारा मोटरवे पे हैं और देखिए रश नहीं है बिल्कुल भी, कोई गाड़ी नहीं है, अभी ना लोगों का काम ही है कि भई उस साइड पे। हाँ, हाँ, अभी हम असल में ना जून के बाद जाते थे, जुलाई जुलाई के एंड अगस्त में जाते थे। हाँ, इस दफा हम जून से पहले जा रहे हैं। हाँ, वो ना मतलब हम वेदर चेंज करके जा रहे हैं, खुद से जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस उस टाइम का तो हमें पता था ना, अगस्त में हम पहले जाते थे। हाँ, तो अभी ये है कि जून, ये मतलब जून स्टार्ट होने वाला है, मई मई के एंड पे क्या सीन होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा चेंज करके जा रहे हैं। जून स्टार्ट हो गया है, जून स्टार्ट हो गया है। हाँ, जून स्टार्ट हो गया, तो जून के स्टार्ट में क्या सीन होता है वहाँ पे। और अभी प्रॉपर छुट्टियाँ नहीं हुई अक्सर जगह पे ना, ऑफिस वगैरह में लोगों को, वो ना मिड में होती है मेरे ख्याल में, और फिर वो लोग निकलेंगे, बच्चों को तो हो गई है, तो फिर वो फैमिलीज निकलेंगी, ज्यादा अगस्त में निकलती है, जुलाई में वाला जो व्लॉग ना आप देखते जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आज इस मौसम के लिहाज से मेट्रोवर को जरूर देखें कि इस मौसम में जून के शुरू में इन नादर एरियाज में क्या सीन होता है। तो हरिपुर यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर रह गए। हाँ जी, हरिपुर है, फिर हमने जाना है, अब देखिए कहाँ तक जाते हैं, एबटाबाद भी बता रहे हैं, थोड़ा सा सफर है एबटाबाद का, एबटाबाद का तो यहाँ से सफर भी नहीं है ना, हम आगे ही जाएंगे कहीं। ये देखिए मोटरवे खाली पड़ी है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल लोग नहीं जा रहे, जा रहे हैं, काफी लोग जा रहे हैं, जिनको है मौका मिला है कि उनको छुट्टियाँ हो गई हैं या वो जाना चाह रहे हैं, जा रही है, बाकी आपको हालात जाके बताएंगे जहाँ जहाँ पहुँचे।
होटल कोई नहीं, ना ब्रेक है ना रेस्ट है ना कुछ है, धूप है भाई साहब। ये जनाब ये हमने एबटाबाद के कहीं करीब करीब है मुझे लग रहा है, ऐनक लगा नहीं है अपनी। हाँ ये तो है, लेके देता हूँ लेके देता हूँ। तो खैर भाई साहब घर में तो नहीं मैंने बर्तन धोते हुए ऐनक पहनी, बाहर निकलता है बंदा तब फैशन करता है ना। चलो ठीक हो गया, बस आज लोग यही पहन करते हैं, आप लोगों से लेते हैं इजाजत। और लेकिन हवा ठंडी के साथ दुआ में याद रखें, और अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगले हम असल में वीडियो इसलिए एंड कर रहे हैं कि वीडियो होगी लंबी, तो इसलिए फिर नेक्स्ट फिर आप लोगों को एपिसोड देखने को मिल जाएगी। तो रुके हैं मोटरवे पे, आगे कहीं जाके कोई होटल मिलेगा नाश्ता करेंगे, वहाँ से हम दिखाएंगे आपको। लेकिन भाई साहब 12:01 बज गए, नाश्ता हमने अभी तक नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, ये इलाका ज़बरदस्त सीन है। तो यस ओके फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।